अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हलवा इस टाइम सूजी का हलवा। तो देखिए, हमारे पास ये एक कटोरी सूजी है। जितनी सूजी है उतनी शक्कर लेना है। तो हमारे पास एक कटोरी शक्कर है, जिसमें हमने 4 इलायची पीस कर डाल दिए और फूड कलर डाल दिए शक्कर में। सबसे पहले हम सूजी को और बेसन को भून लेंगे। देखिए, हम सूजी के अंदर 2 टीस्पून बेसन डाल देंगे। आप चाहे तो बेसन और सूजी दोनों को अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन ये एक साथ ही अच्छी भुनी जाती है। देखिए 2 टीस्पून बेसन डाल दिए। और देखिए, हमारे पास ये देसी घी है। हम ये देसी घी में बनाएंगे। आप अपनी चॉइस से कोई भी घी में बना सकते हैं। और ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें बेसन और सूजी डाल देंगे और घी ज़्यादा डालिए इसमें। देखिए, सूजी और बेसन अच्छे से भुने जा रहा है। और इसे आपको चमचा ही चलाते रहना है। इस चमचे को रोकना नहीं है, नहीं तो ये सारा तले में लग जाता है, बेसन और सूजी। देखिए, सूजी और बेसन अच्छे से भुन गया है। देखिए, हमें इतना ही भुनना है, इसे ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है, बस ये हल्का ही सुनहरा है। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। देखिए, शक्कर, इलायची और फूड कलर डाल देंगे हम। और आपको अगर ज़्यादा मीठा लगता है तो आप ज़्यादा मीठा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। देखिए, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और आग को एकदम धीमा कर देना है। और इसमें हम 1.5 गिलास ही पानी डालेंगे और इसे हल्का हल्का हम चलाते रहेंगे। और आग को एकदम धीमा कर देना है। ये देखिए, हमारे पास ड्राई फ्रूट है, तो हम आधे डाल देंगे और आधे हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। देखिए, हमने आग को धीमा रखे और ये सूजी अच्छे से पक चुकी है। अभी इसमें पानी है, तो हम आँच को और धीमा कर देंगे और इस पर हम खवा डालेंगे और गैस हम चालू ही रहने देंगे। एकदम लास्ट स्टेप पे आँच को रखना है और इस पर हम खवा डाल देंगे। देखिए, हम इस तरीके से खवे को डाल देंगे चारों तरफ। देखिए, हमने खवा डाल दिए है। देखिए, घी भी इसका अच्छे से सेपरेट हो चुका है और जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हैं वो भी डाल देंगे। देखिए, हमने खवा और ड्राई फ्रूट डाल दिए और सूजी को हमें एकदम ड्राई नहीं करना है, उसका पानी थोड़ा सा हल्का सा रखना ही है उसमें पानी। तो अब हम इसे ढक देंगे, इसका जो पानी है बचा हुआ वो सारा ड्राई हो जाएगा। इसे अब हम चेक कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है सूजी का हलवा और ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए, सारा ये घी सेपरेट हो गया है इसका, इसमें पानी नहीं है। हमने पानी को भी इसके ड्राई कर दिए। देखिए, कितनी अच्छी तरीके से और कितना सॉफ्ट बनाइए। और हम इसी में रखेंगे। जब आप ये बनाएंगे तो आप इसे कढ़ाई में, जो भी बर्तन में बनाएं उसी में रखें। और जैसे जैसे आपको लगेगा ऐसे ऐसा लेते जाए और सर्व करते जाए। तो हम अब गैस बंद कर देंगे और हम इसे कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। देखिए, सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।